परमवीर राजस्थान के एक परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह कौन थे? 1962 इंडो चाइना वॉर में मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था। वो मेजर शैतान सिंह और नारायण सिंह दोनों क्लासमेट थे, तो इन्होंने बाद में मेजर शैतान सिंह पर जो बुक लिखी थी वो बुक कौन सी है? अभी गवर्नमेंट ने अंडमान निकोबार के 21 टापू के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किए। किसके नाम पर किए? तो बताओ राजस्थान के कितने लोगों के नाम पर नाम रखे गए? राजस्थान में दो परमवीर चक्र है, 1948 इंडो पाक वॉर सूबेदार मेजर पीरू सिंह, 1962 इंडो चाइना वॉर मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह वाली लड़ाई तो बड़ी शानदार लड़ाई है। क्या नाम उस लड़ाई का? रेजांगला वॉर। क्या नाम उस लड़ाई का? रेजांगला की लड़ाई थी वो। 1962 वाला जब वॉर था तो चाइना उसमें लीड में था, चाइना जीता था उस युद्ध के अंदर। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का अपना एक बड़ा हिस्सा दबाया था, तो रेजांगला की चोटी के ऊपर मेजर शैतान सिंह अपने 120 सैनिकों के साथ थे वहां पर। एक दिन मेजर ने सुबह सुबह दूरबीन लगा के देखा कि नीचे से एक चाइनीज की पूरी बटालियन आ रही थी, 1000 से अधिक सैनिक नीचे से आ रहे थे। उनको लगा यार पार पड़ेगी नहीं, अपने 120 नीचे से 1000 प्लस आ रहे हैं। तो उन्होंने अपनी पिछली पोस्ट पे समाचार भेजा कि भाई हम यहाँ पे 120 है, नीचे से 1200-1300 लोग आ रहे हैं, हमारी पार नहीं पड़ेगी, इसलिए प्लीज हमें थोड़ा सा कवर भेजा जाए, सहायता के लिए सेना भेजी जाए। पिछली पोस्ट से समाचार आया कि हमारे पास भी ज्यादा सैनिक नहीं है, और यदि तुम्हें लगता है कि वहां तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे, तुम चौकी खाली कर दो और पिछली चौकी पर आ जाओ। जब मेजर शैतान सिंह को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपने बाकी जो सैनिक थे साथ वाले उनको बुलाया, उन सैनिकों को बुला कहा कि भाई अब नीचे से हालात ये है कि 1200-1300 चाइनीज आ रहे हैं, अपने ऊपर देख लो जितने गिन सकते हैं, 120 के आसपास है अपने। पिछली चौकी पर मैंने सहायता के लिए समाचार भेजा लेकिन वहां से सहायता की कोई उम्मीद नहीं है, उल्टा मेरे को ये डायरेक्शन मिला वहां से कि मैं चौकी खाली करके पिछली चौकी पर चला जाऊं, लेकिन मैं वापस पिछली चौकी पर नहीं जाना चाहता, मैं इसे चौकी खाली करके भागना नहीं चाहता यहां से, लेकिन मैं तुम्हारे पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं दूंगा। यदि तुम यहां से जाना चाहते हो चले जाओ, मैं अकेला भी रहूंगा यहां पर लड़ाई कर लूंगा, लेकिन मैं चौकी खाली करके नहीं जाऊंगा और तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, तुम जा सकते हो यहां से, क्योंकि पिछली चौकी का आदेश यही है। पर फौज में यह रूल है कि साहब ने कह दिया तो बाकी मर जाओ बोले, लेकिन साहब के आदेश को टालते नहीं। बाकी उन्होंने साहब जब आप बैठे तो हम भी बैठे, क्या दिक्कत है उसके अंदर। अब उस वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई नहीं जानता। पिछली चौकी पर वो लोग पहुंचे नहीं, इसलिए पिछली चौकी वालों ने यह मान लिया कि वो भगोड़े हो गए, या तो चाइनीज उनको पकड़ के ले गए या वो भगोड़े हो गए, हमारे पास उनकी कोई भी समाचार नहीं। इतने में बर्फ पड़ने लगी, दिसंबर के महीने से चाइना वाली साइड से बर्फ पड़ने लग जाती है। जब बर्फ पड़ने लगती है तो चाइना वाले रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, जब रास्ते ब्लॉक हुए तो चाइनीज युद्ध बंद करके खुद ही चले गए। 1962 का इंडो चाइना वॉर चाइना ने शुरू किया था, चाइना ने बंद कर दिया, वो आए थे करके वही बंद करके चले गए, तो वो युद्ध बंद हो गया। युद्ध बंद हो गया तो बर्फ जम गई ऊपर, बर्फ जम गई, जब बर्फ पिघलने लगी वापस, तो आप ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो कि जब तराई के बेल्ट के जो लोग रहते हैं वो बर्फ पिघलती है तब अपने भेड़न चराने के लिए ऊपर की तरफ जाते हैं, और जब बर्फ जम जाती है तब वापस तराई की तरफ आ जाते हैं। तो कोई एक गडरिया था, वो अपनी भेड़न चराने के लिए ऊपर की तरफ गया, रेजांगला की चोटी पर गया। उसने ऊपर जाके देखा कि वहां लाशें पड़ी हुई थी। वो बेचारा भाग के नीचे, उसने कहा ऊपर तो लाशें पड़ी, अंबार लगा हुआ लाशों का। जब फौज वहां पहुंची पता चला कि 1300 चाइनीज मरे हुए, 120 अपने वाले मरे हुए, पूरी बटालियन साफ कर दी चाइनीज की उन लोगों ने। 120 लाशें मिली अपने वालों की, लास्ट टाइम तक सबके हाथ में गन है, ये भी नहीं किसी गन भी छूट गई हो। मेजर शैतान सिंह के दोनों हाथों में गोलियां लगी हुई है, इसलिए वो अपने मशीन गन को अपने पैर के अंगूठे से दबा रहे हैं। इसलिए बाद में मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था मेजर शैतान सिंह को। वो जो 120 सैनिक थे वो रेवाड़ी के भी 120 सैनिक थे, इसलिए रेवाड़ी में आज भी रेजांगला चौक है। कौन सा चौक बना हुआ? उन मेजर शैतान सिंह पर परमवीर चक्र विजेता थे, इसलिए परमवीर नाम की बुक लिखने वाले कौन है? याद रह जाएगी बातें, तो याद रखना। तो राजस्थान के दो परमवीर चक्र है, कौन कौन है आपके? पीरू सिंह और शैतान सिंह, और उन दो के नाम पर अपने अंडमान निकोबार के द्वीप की। क्या मतलब होता है? पर आप एक नोटिस करो, याद एक वर्ड है याद, है ना। मैं आपको कह सकता हूं क्या तुम्हें कल जो मैंने किताबें लिखवाई थी वो याद है वर्ड? मैं तुम्हें ये कह सकता हूं अभी अभी मुझे फिजिक्स याद करके दिखाओ। मैं तुम्हें पूछ सकता हूं क्या तुम्हें याद है कि तुम तीसरी क्लास में कौन सी स्कूल में पढ़ते थे? मैं तुमसे यह पूछ सकता हूं कि क्या तुम्हें चित्तौड़गढ़ वाली कहानी याद है? मतलब याद का प्रयोग कई जगह पे किया जा सकता है, क्या इन सभी जगह ओल्यू शब्द प्रयोग में आ सकता है? मैं कह सकता हूं अभी अभी फिजिक्स ओल्यू कर लो। मैं कह सकता हूं कि तुम्हें तीसरी क्लास की ओल्यू है क्या? ओल्यू याद नहीं है, ओल्यू भाव है। ओल्यू क्या है? किसी को याद करने के संदर्भ में, इस भाव में जब यूज किया जाएगा तब क्या किया जाएगा? ओल्यू। कोई भाषा जितनी प्राचीन होती है उसमें उतने अधिक शब्द होते हैं, इतने अधिक शब्द होते हैं कि शब्द नहीं भावों को भी शब्द मिलते हैं। एक भाव है किसी की याद ना, उसके लिए भी हमारा शब्द कौन सा है? आप इसको और जगह रिप्लेस नहीं कर सकते, आप कभी नहीं कह सकते, आप कभी नहीं कह नहीं पाओगे कि सर मेरे को पॉलिटी तो ओल्यू है लेकिन इकोनॉमी की ओल्यू नहीं आ रही है मेरे को। देखा मतलब क्या होता है? गाँव में जब कोई लंबा हो जाता है तो कहते डिगो डिगो हुए,
है ना, डूंगर का मतलब होता पहाड़, डूंगर का मतलब बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांग गया, बरसों से जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े थे उनको लांग, मनुष्य ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को भी लांग गया, इसलिए नाम क्या पड़ा, बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांग गया। तो हम वो रसिया गए पहली बार, तो 2018 में तब गए, तो उपेंद्र जी ने यहाँ दिल्ली से चढ़ते, उपेंद्र सर थे, दिल्ली से चढ़ते थे, हम फेसबुक पे कोई अपना स्टेटस वगैरह लगाया, वाई वे टू मॉस्को, फ्लाइट व्लाइट का डाला होगा उसके साथ कोई, वहां जब मॉस्को में उतर के होटल में गए, वापस फोन चालू किए, तो उस पोस्ट के नीचे बच्चों के खूब सारे कमेंट, अब बच्चों के कमेंट कैसे, सेफ जर्नी सर, हैप्पी जर्नी सर, हमारे लिए क्या लाओगे सर, अकेले अकेले सर, इस टाइप की कमेंट। उसमें एक किसी बच्चे कमेंट किया कि बरसों राड्डी गोड़ा डूंगर लांग गया। क्या कमेंट किया वहा, ओमद्र जी ने कहा ये 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 क्या लिख दिया, बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांगे। मैं बात कर रहा था कि सर ये देखो ये बच्चे ने पता नहीं क्या कमेंट कर दिया, मैंने ये वे टू मॉस्को वाला डाला था, मैं क्या करा, किसने लिखा बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांगे, मगे अपना स्टूडेंट है। ये कहना चाहता है भारत और रूस के बीच में ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े, आप उनको लांग गए, इसलिए इसने क्या लिखा है, क्रिएटिव स्टूडेंट है, मैं इसको लगा फेसबुक चलाइए तो काम लूं कहीं ना कहीं, एक किताब का नाम तो याद करूं, ये भी लिख सकता है थोड़ी देर में कि सर मुझे आपकी ओलियों आ रही है।